को बुलाऊंगा, वो इंडस्ट्री में किसी जान पहचान, मतलब जान पहचान, सर आप लोग इतने में परफेक्ट नहीं होगी ना बोलने में, सीख रहा हूँ ठीक है, किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है, मैं उनका नाम लूंगा और 3 से 4 मिनट अगर आपने उनको सुन लिया, बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं जिनको हम सुनेंगे, उनसे सीखेंगे भी, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग रब को बीच में बुलाना चाहूँगा हमारे स्टेज के, एंड आपकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम नरसी ग्रेवाल सर, जोरदार तालियां, ये जोरदार होती है क्या, वो दीपक सर बोल के गए ना अपने लिए तो बजा देंगे। थैंक यू सर, आप नहीं बजाएंगे सर, अपने आप बजवा लेंगे अभी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज अपने अपने सिंहासन लीजिए सारे लोग। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार इंडिया। दोस्तों आज रियली में सैल्यूट करने का दिल करता है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, और जिनसे मिलने का मुझे मौका मिला है, आप जैसे अच्छे और दमदार लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला है। मैं चाहता हूं आप सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार का मतलब जोरदार, जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और दोस्तों रियली में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यामिनी जी और हमारे ग्रेट मिस्टर राहुल शर्मा जी को, जिन्होंने हाल पूरी की पूरी इंडस्ट्री के सारे लीजेंड्स को और पायनियर लीडर्स को इकट्ठा किया है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां होना चाहिए राहुल जी के लिए, यामिनी जी के लिए, और यहाँ पे हमारे जो सेलिब्रिटीज पधारे, मंदिरा बेदी जी और हमारे हेम पांडे साहब और FDSA और IDSA के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, और हमारे कुछ पायनियर लीडर जिनमें हमारे साथी मिस्टर माधव सिंह जी, मिस्टर विजयपाल जी, मिस्टर जसवीर जी और हमारे राजपूत जी बैठे हैं यहाँ पे, संजय सिंह राजपूत जी और अनिल नारंग साहब और मुकेश कोठारे जी, सुरेंद्र वासी और हमारे एक बहुत ही दमदार ट्रेनर मिस्टर दीपक बजाज जी। मैं चाहता हूं इन सबके लिए जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, जोरदार जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों मैं अपना परिचय सिर्फ 1 मिनट में देना चाहूंगा। मैं इस इंडस्ट्री से पहले आर्मी में जॉब करता था, 19 साल मैंने जॉब की और कारगिल वार में भी रहा मैं, लेकिन जब मैं जॉब में गया था तब मेरे दिमाग में एक ही बात आई थी, जब मेरे दिमाग में एक ही बात आई थी कि फौज में बगैर दारू पिए और बगैर अंडा और मीट खाए क्या नौकरी कर सकता है क्या, तो मेरे एक सीनियर ने बताया बिल्कुल कर सकता है। तो जैसे ही जब इस इंडस्ट्री का मैंने प्लान देखा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, तो मैंने उनसे एक ही बात पूछा था, सर ये बिजनेस है? बोला हाँ। मैं बोला इसमें झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा? बोला बिल्कुल नहीं बोलना पड़ेगा। बगैर झूठ बोले इसमें काम हो जाएगा? बोला हाँ हो जाएगा। तो मैं बोला सर अगर बगैर झूठ बोले इस इंडस्ट्री में काम होगा तो ग्रेवाल इसको जरूर करेगा, जरूर करेगा, लाइफ काट के करेगा। यस और नो, यस और नो। और दोस्तों इस इंडस्ट्री में मेरा अचीवमेंट ये नहीं है कि मुझे 435 से शुरुआत करके 1 करोड़ तक का भी चेक मिला, मेरी साइकिल से शुरुआत करके फॉर्च्यूनर तक पहुंचा। आज इंडस्ट्री में मेरे अचीवमेंट ये हैं कि आज हमारे साथ में 800 से ज्यादा डायमंड हैं और करीब करीब 125 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी हमारे लोगों के साथ में है। मैं चाहता हूं सब अचीवर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार वाली। और दोस्तों मेरा अगर एक अचीवमेंट है वो ये है कि मैं मैट्रिक तक पास करने के बाद कॉलेज में पढ़ना चाहता था, मुझे घर वाले नहीं पढ़ा पाए क्योंकि पैसे की कमी थी, और मेरा उस टाइम पे एक ड्रीम था कि बच्चों को ऐसी सिचुएशन में नहीं आने देंगे। और जब 12th पास करने के बाद मेरे बेटे ने इच्छा जाहिर करी कि पापा मैं बाहर पढ़ना चाहता हूं, तो मेरा बेटा पिछले 5 साल से इंग्लैंड में वहां पर पढ़ाई करके आया है और पढ़ाई करने के बाद यहां पर अभी मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है। और इस इंडस्ट्री की वजह से दोस्तों आज हजारों हजारों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। और मैं लास्ट में बस एक ही बात बोलना चाहूंगा,
कि मुझे एक ही कंपनी में पिछले 21 साल से काम कर रहा हूं और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यहां पे आदमी अगर अच्छे से एथिकली कमिटमेंट के साथ काम करे तो लगातार एक कंपनी में बहुत बड़ा काम भी किया जा सकता है। और इसके लिए एक दो लाइन की कहानी बता के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को बुलाया और बोला, दुर्योधन गदा मारो पानी निकालो। और उसने पूछा, गुरु जी कहां मारूं और पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन उसी टाइम पर उन्होंने भीमसेन को बुलाया और भीमसेन को पूछा, बोला दुर्योधन को पीछे हटा दिया और भीमसेन को बोला आप गदा मारो और पानी निकालो। तो उन्होंने गदा ली, गदा मारने लगा, तुरंत उनको रोका, बोला दुर्योधन ने जो सवाल पूछा या उसके दिमाग में जो सवाल आया वो आपके दिमाग में क्यों नहीं आया। तो उन्होंने भीमसेन जी ने एक ही बात बोली कि गुरु जी ये जो दुर्योधन है इसको शक है अपनी शिक्षा पे, सिख है शक है अपने गुरुओं पे और शक है इसको अपने बाजुओं पे। लेकिन ये भीमसेन है इसको कोई शक नहीं है अपने गुरु पे, कोई शक नहीं है अपनी शिक्षा पे और कोई शक नहीं है अपने बाजुओं पे। ये भीमसेन है, ये चार कदम मारेगा वही पानी निकलेगा, निकलेगा 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 कैसे नहीं निकलेगा। तो दोस्तों ये बात मेरे दिमाग में थी और मैंने एक ही बात सोचा था कि अगर हमारे गुरु डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के गुरु उन पे हमको पूरा भरोसा है और इस इंडस्ट्री पे पूरा भरोसा है और भाई साहब अपने बाजुओं पे भरोसा, जहां कदम मारेंगे वही पानी निकलेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ इन्हें इंडस्ट्री का बेताज बादशाह कहते हैं, कुछ इन्हें इंडस्ट्री की बैकबोन कहते हैं, कुछ इन्हें महामहिम और प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और कुछ इन्हें एक सशक्त रोल मॉडल भी मानते हैं और कुछ लोग इन्हें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गॉडफादर भी कहा करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं बेस्ट अवार्ड ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स, नेटवर्क मार्केटिंग रत्ना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर नरसी ग्रेवाल, मिस्टर माधव सिंह जी का।